हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे फ्रेंड्स बिल्कुल नए तरीके से बैगन मसाला की रेसिपी। फ्रेंड्स बहुत टेस्टी बनती है, बहुत झटपट भी बन के तैयार हो जाती है भरवा बैगन मसाला है। फ्रेंड्स चलते हैं फ्रेंड्स रेसिपी को। इसको बनाने के लिए मैं छोटी वाली बैगन ली हूँ। आपके पास जो भी बैगन हो उसको आप, थोड़ा छोटा ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बैगन को अच्छे से धो लेंगे और जो मैं कट करें उसको अच्छे से कट कर लेंगे। डंठल को भी कट कर लेंगे और इसको भी कट करके इसको दो भाग में कट करके चेक कर लेंगे कि बैगन में कीड़े तो नहीं हैं। अच्छे से चेक करके सारे बैगन को हम कट करके तैयार कर लेंगे। अब इसको फ्राई करेंगे या भूनेंगे। भूनने के लिए मैं बड़े 4 चम्मच तेल डाली हूँ और बैगन को जो हम कट करके रखे हैं उसको डाल देंगे और चला देंगे और फ्लेम मीडियम कर देंगे और थोड़ी सी नमक डाल देंगे 2 से 3 चुटकी के जितना और ढक के इसको 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। बीच बीच में इसको चलाते भी रहेंगे, नहीं तो जल जाएगा एक ही तरफ से, इसलिए बीच बीच में चलाते रहिएगा। देख सकते हैं पार्ट की बात की वीडियो है, बैगन अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अभी और भी बैगन को भूनना है, कम से कम 8 मिनट के से 10 मिनट तक ये बैगन को भूनेंगे तो अच्छे से भून जाएगा। फ्राई करेंगे तो कम टाइम में हो जाएगा, भूनने से टाइम ज़्यादा लगता है। तब तक भून रहा है तब तक मसाला तैयार कर लेते हैं। एक मिक्सी के जार में 15 से 20 लहसुन की कलियाँ छिलका उतार ली हूँ मैं। एक टमाटर को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, उसको डाल के इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच सरसों और 2-3 चम्मच पानी डाल के इसको पीस के तैयार कर लेंगे। बैगन को चेक करते हैं, बैगन अच्छे से भुना है कि नहीं। अभी भी बैगन थोड़ी सी सॉफ्ट है, मैं बीच बीच में भी चेक करती रही हूँ। अभी 10 मिनट नहीं हुआ है, 8 मिनट के बीच में ही चेक की थी। पीस उसमें थोड़ी सी मैं पनीर लेके उसमें डाल देती हूँ और इसको फिर से पीस लेती हूँ। आपके पास पनीर नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हैं। अब फ्राई पैन लेंगे, फ्राई पैन में हम 4 से 5 बड़े चम्मच तेल डालेंगे, आधी चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच कुटी हुई हरी मिर्ची और अदरक लहसुन डाल देंगे, 2 बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और मीडियम फ्लेम करके इसको कलर चेंज होने तक हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया, एकदम गोल्डन कलर चाहिए। और जो हम प्यूरी पीस के टमाटर का और पनीर का तैयार किए थे वो डाल देंगे और फ्लेम लो कर देंगे और जो मिक्सी के जार में थोड़ी सी लगी है उसमें पानी डाल देंगे 3 से 4 चम्मच डाल के, फिर हम फ्राई पैन में डाल देंगे और डाल के मिक्स कर देंगे और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। आप अपनी स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच नमक डाली हूँ मैं, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल के इसको मिक्स कर लेंगे और फ्लेम लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पे मसाला को भूनेंगे। और 1 चम्मच गरम मसाला डाली हूँ, आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं, और डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। और 1 पैकेट मैगी मैजिक मसाला डालेंगे, पास्ता मसाला है फ्रेंड्स, इसे बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स ये बैगन भरवा मसाला, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, इसे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो तो ज़रूर डालिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं, इसको भी स्किप कर सकते हैं। ढक के 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मसाले को भून लेंगे। मैं मसाले को अच्छे से अभी भून ली हूँ। अभी इसमें जो हम फ्राई किया हुआ बैगन रखे वो डाल देंगे, डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो बैगन के बीच बीच में मसाला भर भी सकते हैं, मैं बिना भरे हुए बना रही हूँ फ्रेंड्स, ये अंदर तक मसाला अपने आप से ही चला जाता है। 2 मिनट के बाद भूनने के बाद इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, पानी 250 ml डाल रही हूँ। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर ग्रेवी आपको ज़्यादा चाहिए तो पानी डाल सकते हैं। और थोड़ी सी बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे जिससे खुशबू भी ज़्यादा अच्छी आती है और टेस्ट भी बढ़ जाती है। 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे क्रश करके, कसूरी मेथी से भी खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। और ढक के 1 उबाल आने तक हम बैगन को अच्छे से पका लेंगे। 1 उबाल आ गई है, सब्ज़ी अच्छे से पक गई है। सब्ज़ी को पकाते हुए मेरे को 5 से 7 मिनट हो गया है, ज़्यादा नहीं पकाना है, 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद एक बॉल में निकाल के सर्व करेंगे। अगर फ्रेंड्स मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर। बाय फ्रेंड्स।